तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th मैथमेटिक्स आरएस अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 12 बोले तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को लास्ट के वीडियोस में बेसिक कंसेप्ट बोले तो थ्योरम्स, कोरोलरीज है ना, कुछ बेसिक एरियाज के फॉर्मूले, साथ में सॉल्ड एग्जांपल्स भी हमने आप लोगों को करवा रखा है मैंने। और अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 12 पे, जहाँ पे हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली कुछ उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जहाँ पे आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ गिवन है, उसके बाद हम प्रूफ वाले क्वेश्चन सारे आएंगे आपके पास तो उनको डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे कुछ फिगर गिवन है कुछ इस तरीके से, है ना। तो फटाफट बना देता हूँ मैं यहाँ पे पहले तो फिगर, ठीक है। इसकी नेमिंग कर रखी है आपके पास ए बी सी डी, और साथ में इसको इस तरीके से ज्वाइन कर रखा है। तो ये वाला भी आपके पास 90 है, थोड़ा सा मैंने टेढ़ा बनाया बट ठीक है, आपको समझना है, ठीक है। जिस हिसाब से फिगर गिवन है उस हिसाब से यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है, सेंटीमीटर में सारी चीज़ें। तो ए बी सी डी हो गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या, ये सारे के सारे क्या आपके पास सेंटीमीटर में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। अब इसमें बोलता है इन दैट जॉइनिंग फिगर बी डी इज़ द डायगनल। तो ये जो बी डी आपके पास डायगनल देख रहा है, और साथ में आपके पास बोलता है कि आपको ये प्रूफ करना है कि ए बी सी डी जो आपके पास ये जो कोऑर्डिनेटर दिख रहा है, पैरेललोग्राम नहीं है, ये जो कोऑर्डिनेटर दिख रहा है वो एक पैरेललोग्राम है। ये आपको प्रूफ करना है, क्या करना है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। फिर कहा जाता है एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। पहले तो आप प्रूफ कीजिए कि ये एक पैरेललोग्राम है, उसके बाद अपने को एरिया भी बताइए। ये आपको यहाँ पे करने के लिए कहा गया है, ठीक है। चलिए तो अब हमारे पास देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अगर ये डायगनल है तो डायगनल क्या करता है, एक पैरेललोग्राम को इक्वल एरियाज के दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। ये आपको मालूम है बहुत अच्छे से। तो इसका एरिया किसके इक्वल होगा, इस वाले के एरिया के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी पहले मैं निकाल लेता हूँ, है ना। और अगर ये दोनों का एरिया इक्वल आ जाएगा तो बाद में हम बोल देंगे ये क्या आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। चलिए तो एरिया ऑफ ए बी डी, तो ए बी डी देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये आपके राइट एंगल है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने वैसे बनाया नहीं है बट ठीक है, जिस हिसाब से फिगर गिवन है उसके हिसाब से देखना है, ये 90 डिग्री है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है। तो 1/2 इंटू बेस, तो 1/2 इंटू बेस की जगह क्या रहेगा यहाँ पे 6 रहेगा, और हाइट की जगह क्या रहेगा 8 रहेगा, 2 3 6 8 3 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए बी डी का एरिया कितना आ गया आपके पास 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकेंडली आप निकाल दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी का एरिया निकाल दीजिए, बोले तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल दीजिए। तो उसके लिए भी क्या करेंगे आप 1/2 इंटू बेस, बेस की जगह आप ये वाली चीज़ ले लेंगे सी डी, है ना, तो हो जाएगा 6, और मल्टीप्लाई हाइट की जगह अगेन यही काम करने वाला 8। इसको ऐसे समझना है, इस वाले ट्रायंगल को यहाँ 90 डिग्री, ये वाला ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, बोले तो हाइट। तो इससे इसको कैंसिल करेंगे तो इसका भी कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना क्या है, यहाँ पे बोल दीजिए एज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी आर इक्वल, दोनों देखिए 24 के इक्वल आ गया ना। तो अब बोल दीजिए देयर फोर डायगनल बी डी डिवाइड्स इंटू टू कॉन्ग्रुएंट टू इक्वल एरियाज ट्रायंगल, देयर फोर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। इतनी आपको स्टेटमेंट यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, वीडियो को पॉज करके फिर से सुन लीजिए मैंने आपको जो कहा है और उसको लिख दीजिए स्टेटमेंट को। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें बोला है कि पूरा ए बी सी डी का वो बताइए, क्या कहते हैं इसको, एरिया बताइए। तो एरिया पैरेललोग्राम का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ निकालने का आपके पास दो तरीके हैं। आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं जो कि आपको मैंने बताया, बेस इंटू हाइट, बेस की जगह 6 है, हाइट की जगह 8 है, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। या फिर आपको पता ही है जब दो इक्वल में है तो इसको इसको ऐड करेंगे तो पूरा ए बी सी डी का एरिया आ जाएगा, तो 24 48 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। तो आप ऐड करके निकाल दीजिए या फिर डायरेक्टली फॉर्मूले लगा कर निकाल दीजिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, बिंदास, कोई टेंशन वाली बात नहीं। समझ में आ गई बात, डन है। चलिए ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, बोले तो हलवा क्वेश्चन था ये, तो क्या ही क्वेश्चन है ना। स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपके पास ऐसे ही आएंगे, और न्यूमेरिक वैल्यू वाले जनरली जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है वो स्टूडेंट्स को ईजी लगता है और जनरली होते भी है, ऑफकोर्स होते हैं, राइट। चलिए तो कोई अभी टिपिकल क्वेश्चन नहीं आया, क्या था, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो आपके पास एक पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी डी, पहले यहाँ पे बना दिया जाए फटाफट। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, ये आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच रखा है,
उसके बाद एक परपेंडिकुलर यहाँ से इस पे खींच रखा है, यहाँ पे आपके पास ई है, यहाँ पे आपके पास एफ है, ये वाला 6 है, ये वाला 8 है, यहाँ से यहाँ तक 16 दे रखा है। आपसे बोलता है कि ए डी की लेंथ बताइए। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन, देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन। एक चीज़ और बता देता हूँ, किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के, देखिए आपको क्या करना है, मेरे वीडियोज़ को हमेशा सीरियल नंबर वाइज देखना है, हमेशा हमेशा कहते आता हूँ मैं, सीरियल नंबर वाइज देखना। सीरियल नंबर वाइज देखने से एक बेनिफिट मिलेगा आपको, कुछ चीज़ें पहले जो बता रखी है वो आगे नहीं बताया जाता, हर बार बताएंगे तो कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा सोचिए। वैसे जब मैं समझाता हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता हूँ समझाने में, बात समझ में आती है ना। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं आता इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता हूँ, मैं इस तरीके से समझाता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, राइट। तो यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए अगर कोई सा भी आपके पास पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, अगर आपको उसका एरिया निकालना है तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप बेस को हमेशा उसी को मानेंगे जो नीचे हो, बिल्कुल भी नहीं। बेस को आप सिर्फ उसी को मानेंगे जो नीचे है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बेस किसी को भी मान सकते हैं, जी हाँ बेस आप किसी को भी मान सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको बेस मानता हूँ तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वो हाइट का काम करेगा, तो ये बेस इंटू हाइट इस वाले ए बी सी डी पैरेललोग्राम का एरिया निकाल कर दे देगा। दूसरा, अगर मैं इसको इस वाले को बेस मानता हूँ तो इस पे जो परपेंडिकुलर बनेगा उसको हाइट बोलूँगा, तो ये बेस और हाइट हो जाएगा। इसको बेस मानता हूँ तो इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगी वो बेस हाइट का काम करेगा और ये बेस का काम करेगा, कहीं से भी निकाल सकता हूँ। अगर मैं इसको बेस का काम करता हूँ तो ये जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर आ रहा है ये हाइट का काम करेगा। तो किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए आप किसी को भी बेस मान सकते हैं और उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वो हाइट का काम करेगा। बस इतनी सी बात आपको समझानी थी। तो आप मुझे एक बात बताइए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी अगर मैं निकालता हूँ तो मैं ये नहीं कह सकता कि बेस इंटू में हाइट ये होगा। बेस मैंने ए बी लिया, हाइट मैंने डी लिया, बताइए कोई प्रॉब्लम। तो बेस की जगह 16 है, मल्टीप्लाई में हाइट की जगह 6 है, 16×5=96, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं, डन है, ठीक है। लेकिन हमें ए डी की लेंथ निकालनी है यार, ए डी तो कहीं आया ही नहीं, लेकिन ए डी तब आएगा जब मैं ये वाला बेस कंसिडर करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फिर से, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी वो किसके इक्वल आ जाएगा, बेस की जगह ए डी रहेगा और हाइट की जगह ये वाला, ये जो चीज़ है बी एफ वो रहेगा आपके पास, बताइए कोई प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए अब ए डी तो अपने को मालूम नहीं है लेकिन बी एफ मालूम है, कितना आपके पास 8 है। तो ये वाला फर्स्ट इक्वेशन और ये वाला सेकेंड इक्वेशन, देखिए ये दोनों ही तो एरिया ए बी सी डी के हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी के ही एरिया है दोनों, तो सो बॉथ विल बी इक्वल टू इच अदर। तो यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अभी सेंटीमीटर यूनिट नहीं लिखता हूँ, ए डी मल्टीप्लाई 8, ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, 8 इधर ले आइए तो ये आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा तो ये आ जाएगा ए डी, है ना। 8 से काट दीजिए, 8 एकम 8, 8 दुना 16, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर ए डी की वैल्यू, बताइए कोई प्रॉब्लम। जो ए डी बेस होगा आपके पास क्या होगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ख़त्म बात, समझ में आती है बात, डन है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड भाई। अब चलते हम कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 के पास, ठीक है। लिख देता हूँ मैं यार, लिखता नहीं हूँ बार बार क्वेश्चन नंबर। चलिए अब 3 में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोमबस, द लेंथ ऑफ डायगनल्स ऑफ डायगनल्स आर 18 एंड 24 सेंटीमीटर। यार ये तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, एक रोमबस है जिसके डायगनल की लेंथ, डायगनल मतलब ये वाला एरिया निकालना है। इसका एरिया का फॉर्मूला था 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल, मतलब d1 मल्टीप्लाई d2, है ना। तो 1/2 डायगनल, पहला 18 है, दूसरा डायगनल 24 है, एरिया निकाल दीजिए फटाफट। तो एरिया हो जाएगा 2 से काट दीजिए 9 बार में, 24 9 कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, खत्म बात, बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास बोला है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम व्हिच पैरेलल साइड्स आर, तो एक ट्रेपेजियम बना देते हैं और इनके पैरेलल साइड्स गिवन है कितना 10 और 8। तो नीचे वाले 10 रखता हूँ, बड़ा वाला, छोटे वाले को 8, ये दोनों पैरेलल साइड्स होते हैं ट्रेपेजियम के, लेट से ए बी सी डी है। उसके बाद कहता है डिस्टेंस बिटवीन देम इज दिस साइड्स इज 6 सेंटीमीटर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, इसी को हाइट कहते थे, राइट। चलिए तो इसका फॉर्मूला आपके पास एरिया का क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड्स फिर मल्टीप्लाई में जो भी हाइट था या फिर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये होती है आपके पास सारी चीज़ें गिवन है। आपके पास एरिया निकाल दीजिए 1/2 इंटू में सम कर दीजिए, सम करेंगे 10 और 8 कितना होगा 18, तो डायरेक्टली लिख देता हूँ 18 सम करके, और डिस्टेंस कितना आपके पास 6 है,
दो से काट दिए थ्री टाइम्स में, तो एरिया कितना हो जाएगा 18 या 54 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर हो जाएंगे सारे, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकालना था। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है, ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। आप चलते क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के पास। तो क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है आपके पास, उसमें कहा जाता है सो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पैरेललोग्राम। चलिए, आप कहता है आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बोला ऑलरेडी आपके पास एक पैरेललोग्राम गिवन है, तो इसको हमने ए बी सी डी पैरेललोग्राम कह दिया। ठीक है, ए बी सी डी क्या आपके पास? ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब समझिएगा, अगर आपके पास ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम गिवन है और इसके अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, तो दो पैरेललोग्राम, दो इक्वल एरिया के पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये मिड पॉइंट और इसका ये मिड पॉइंट ज्वाइन कर दीजिए इस तरीके से, ए बी सी डी, इसको ई बोल दीजिए, इसको एफ बोल दीजिए लेट से। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि इसका जो एरिया है वो और इसका जो एरिया है वो, ये दोनों ही क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ डायरेक्टली। इस वाले को देख लीजिए, ई एफ इज़ द कॉमन बेस फॉर पैरेललोग्राम ए एफ ई डी एंड एफ बी सी ई एंड आर ऑन बिटवीन सेम पैरेलल्स। और कौन कौन से पैरेलल्स हैं? ए डी एंड बी सी। देख लीजिए अच्छे से, ए डी और बी सी पैरेलल होंगे, नो डाउट। ये वाले लाइन मिड पॉइंट से जा रहा है, ये पहले से पैरेलल थे, तो ये पैरेलल होंगे, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल, तो ये भी दोनों पैरेललोग्राम होंगे इसमें, नो डाउट। ठीक है, ये और ये दोनों क्या होंगे आपके पास? पैरेललोग्राम। आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि दिस एंड दिस आर ऑल्सो पैरेललोग्राम बिकॉज दिस आर पैरेलल। उसके बाद आपको काम करना है क्या, दिस पैरेललोग्राम एंड दिस पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस, दैट इज सेम बेस, दैट इज ई एफ। समझ में आती बात? ई एफ क्या, सेम बेस पे और दोनों ही सेम पैरेलल्स के बीच में है, सेम पैरेलल्स के बीच में है, तो इसका एरिया और इसका एरिया क्या होंगे? देयरफोर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए एफ ई डी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एफ बी सी ई। खत्म बात। ठीक है, अब दोनों का एरिया इक्वल हो गया तो दो इक्वल में डिवाइड हो गए। बस यही चीज़ आपको क्या करनी थी? प्रूव करनी थी। समझ में आती बात? डन है। तो बहुत ही जल्दी, क्योंकि यहाँ पे इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक ही डिस्कस करेंगे, इससे आगे डिस्कस नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, इससे आगे हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको प्लीज़। अभी इससे आगे इसलिए नहीं डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि जितने भी न्यूमेरिक वाले वैल्यूज वाले थे ना, उसको मैं एक वीडियो में रख रहा हूँ, और कुछ नहीं, जो इजी थे बिल्कुल, है ना। उसके बाद आगे थोड़े से प्रूफ करने वाले में थोड़ा सा सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है ना, समझाना पड़ता है, उसको हम आगे के वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो एक तो फिगर गिवन है, तो फिगर बना देते हैं। सॉरी, इसको इधर रखा जाए पहले। तो पहले इसमें कहा जाता है ए बी सी डी का एरिया जो 90 है, तो पहले ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बनाया जाए इस तरीके से। पहले तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, और यहाँ से ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे ई है, और यहाँ से एक ऐसे जा रहा है, और ये वाला ऐसे जॉइंड है, ऐसे जॉइंड। ठीक है, तो यहाँ पे एक एफ है। हमसे बोला गया है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, पैरेललोग्राम ए बी सी डी का जो एरिया है वो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पहला बताना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ कितना होगा। अच्छा, विथ रीज़न भी बताना है कि कितना होगा और क्यों होगा। ठीक है, रीज़न भी बताना है आपको, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, समझाते हैं आपको। देखिए ए बी सी डी, यहाँ पे आपको थियोरम्स कोरोलरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे चीज़ों को समझने के लिए। तो ए बी सी डी का एरिया अगर 90 है तो आपको बताना है कि ए बी ई एफ का एरिया कितना होगा और क्यों होगा। देखिए, होगा तो 90 ही, अब बात आती है क्यों होगा। तो रीजन समझिएगा, बिकॉज ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ बोथ आर पैरेललोग्राम्स, है ना, बोथ आर पैरेललोग्राम्स। ठीक है, और दोनों के दोनों क्या आपके पास सेम बेस पे हैं। देख लीजिए अच्छे से, सेम बेस पे है, प्लस दोनों सेम पैरेलल के बीच में है, बस यही चीज़ आपको लिखना है।
एरिया ऑफ दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस बिकॉज बिकॉज बोथ द पैरेललोग्राम्स आर ऑन द सेम बेस ए बी एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स ए बी एंड एफ सी ए बी एंड एफ सी देयर फोर एरिया ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए सेकेंड चलते हैं एरिया ऑफ ए बी डी। आपसे पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी का, बोलिए इसका कितना होगा। तो ए बी डी किधर है, ए है बी है डी है, इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कीजिए, है ना। और आप इस वाले को नोटिस कीजिए बस, ए बी सी डी को, ठीक है, ए बी सी डी को नोटिस कीजिए। और ये इसका क्या है, डी बी डायगनल है। आपसे पूछा इसका एरिया कितना होगा, एक बात बताइए, ए बी सी डी आपके पास एक पैरेललोग्राम था। जी हाँ था। अच्छा, जब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और ये जो बी डी है वो डायगनल है, तो डायगनल का काम होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, दो इक्वल एरियाज के ट्रायंगल में डिवाइड कर देना, ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। तो इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का इक्वल होगा, है ना। तो हम आराम से कह सकते हैं ना इसका एरिया कितना होगा, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बोलिए हाँ या नहीं, समझ में आ गई बात, डन है, ठीक है। क्योंकि पूरा 90 था ना, ए बी सी डी का एरिया कितना था, 90 था, इसका हाफ है, हाफ कितना हो जाएगा, 45। चलिए, है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो आप इसको क्या करेंगे, 1/2 ए बी सी डी का एरिया कितना था, 90, काट दीजिए कितना आएगा, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे आप निकाल सकते हैं। चलिए तीसरा चलते हैं। अब तीसरे में बोला है ट्रायंगल बी ई एफ, किधर है बी ई एफ, बी ई एफ। तो अब ये वाला लेना पड़ेगा आपको, ये वाला ए बी ई एफ लेना पड़ेगा, ए बी ई एफ, ठीक है। इसमें कहता है किसका बोला है, लिखा ही नहीं मैंने, बी ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई एफ पूछा है। तो बी ई एफ किधर है वो देख लीजिए, बी है ई है एफ, ये वाला। तो यार इस वाले का भी तो एरिया 90 आया था ना, बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसका भी नहीं आ जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल, है ना। तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। चलिए ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। तो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को आपको क्या करना है, समझना है, है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया आपसे स्टेट गिविंग रीज़न, अगेन आपके पास बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। तो 7 यहाँ पे हम पहले बना देते हैं। तो यहाँ से आपके पास एक पैरेललोग्राम ऐसे है, पहले तो आपके पास यहाँ से ऐसे है, और इसको यहाँ से ऐसे बनाया हुआ है पहले तो, ठीक है, और फिर इस तरीके से बनाया है कि ये पैरेललोग्राम है, तो इसको यहाँ से और इसको यहाँ से ऐसे बनाया। तो यहाँ पे आपके पास ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, है ना, ए बी सी डी पैरेललोग्राम, और दूसरा ए बी ई एफ, यहाँ पे ई है एफ है, ये वाला 90 है और ये वाला 90, मतलब रेक्टेंगल है, एक पैरेललोग्राम है और एक रेक्टेंगल है, सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में हो तो उनका भी एरिया इक्वल होता है। थ्योरम में इस चीज़ को मैंने आप लोगों को प्रूफ करवा रखा है। तो फर्स्ट पार्ट में वही पूछा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी कितना होगा, है ना, ट्रायंगल एबीसी का एरिया गिवन है, ट्रायंगल एबीसी का एरिया गिवन है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एबीसीडी पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा, समझिएगा बहुत ज़्यादा आसान। एबीसी किधर है वो देखिए, एबीसी, तो ये वाला एरिया आपको पता है, एबीसीडी एक क्या आपके पास पैरेललोग्राम ऑलरेडी गिवन है आपके पास, राइट। जब पैरेललोग्राम है तो इसका एरिया 64 है, और आपसे एबीसीडी पैरेललोग्राम का एरिया पूछ रहा है, तो पूरे का कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का डायगनल क्या करता है, इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, ये 64, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 64। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एरिया पैरेललोग्राम विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, है ना, और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, ट्रायंगल एडीसी, ठीक है। तो ये कितना है आपके पास 64, और ये भी कितना होगा आपके पास 64, कितना हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, खत्म बात, समझ में आई बात। ये था फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट के पास। तो इसमें कहा जाता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई एफ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, समझते हैं ए बी एफ किधर, ए बी ई एफ, देखिए अगेन आपके पास इसका भी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आने वाला, समझने वाले समझ गए होंगे, जिनको समझ नहीं आता उसको हम समझाते हैं। तो समझिएगा ए बी सी डी, इसको नोटिस कीजिए, सेम बेस ए बी पे है, दूसरा ए बी ई एफ रेक्टेंगल है, इसको भी नोटिस कीजिए सेम बेस पे, और दोनों ही क्या आपके पास सेम पैरेलल्स के बीच में, तो दोनों का एरिया क्या होंगे आपके पास इक्वल होंगे, ऑलरेडी थ्योरम में सारी चीज़ें क्लियर करवा रखा है। और यही रीज़न है कि मैं आपको हर बार
हर बार यही बोलता हूँ कि पहले क्या करना है आपको, वीडियो को सीरियल नंबर वाइज देखना है, एक नंबर से देखना है, ताकि आपको बहुत 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 अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। और कभी भी मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिए। हाँ, अगर आता होता है क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से स्किप करके देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जब आपके पास कंसेप्ट समझाए जाते हैं, जब तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि कंसेप्ट के केस में आपको सारी चीज़ें नहीं पता होता। हाँ, आप फर्स्ट टाइम आते हैं एक चैप्टर को विजिट करने के लिए, एक चैप्टर को फर्स्ट टाइम देखते हैं, समझ में आती बात, डन है? ठीक है, तो सारे कंसेप्ट को अच्छे समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन के टाइम पर आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन आता है तो। तो यहाँ तक हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर अप टू 7। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, और जो रेस्ट आपके पास जो क्वेश्चन ऑफ कोर्स हम आगे के वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों का हमेशा की तरह काम रहता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप एक नए स्टूडेंट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और साथ ही क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।